मेट्रो को लेकर क्या आप सोच रहे हो, क्या करने वाले हैं? देखिए मेट्रो 3 इसका बहुत काम हो चुका है, लेकिन जब तक कारशेड का काम नहीं होता तब तक ये मेट्रो शुरू नहीं हो सकती। पिछली सरकार ने जहां कारशेड प्रपोज किया वो जगह अभी भी डिस्प्यूट में है, और वो जगह मिलने के बाद भी 4 साल कारशेड नहीं हो सकता। हमारी सरकार के समय आरे में जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की थी उस जगह पर 25% काम हो चुका है, और बचा हुआ 75% काम वहां पर तुरंत किया जा सकता है। इसलिए मुंबई करो के हित में तुरंत अगर मेट्रो शुरू करनी है तो कार शेड वही बनना चाहिए, और इसलिए हमारा यही फैसला रहेगा कि कार शेड वही बने। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कार शेड को लेकर अगर उनकी कोई उनका गुस्सा जो है कार शेड और इसको लेकर, उद्धव जी का पूरा आदर रखते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि उनका निर्णय गलत था। ये उनको बार बार मैंने कहा था, मैंने उनको ये विनती भी की थी कि अपना ईगो आप बाजू रखिए और ये कारशेड जो है इसको आरे में होने दीजिए। देखिए मुझे ये बताइए कि कारशेड के बारे में केस हुई हाई कोर्ट में, ग्रीन ट्रिब्यूनल में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह सहमति मिलने के बाद, ये कोई जंगल तोड़ने की बात नहीं थी, सारी सहमति मिलने के बाद। और मैं सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका जवाब दिया जा सकता है कि वहीं आसपास बिल्डरों को तो आपने परमिशन दे दी झाड़ तोड़ने की, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है कि वो जितने झाड़ तोड़े गए वो सारे झाड़ अपने लाइफ टाइम में जितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं उतना ये मेट्रो 80 दिन में करेगी, ऐसे समय इसको केवल पॉलिटिकल न किया जाए। और मुझे लगता है कि ये मुंबई करो के साथ अन्याय होगा, और इसलिए हम कारशेड वही करेंगे। सर, ओबीसी आरक्षण संदर्भ की बैठक है, ऐसे कि ओबीसी राज्य की आरक्षण करता जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टामध्ये डेडिकेटेड आयोगाचा अहवाल हा आपण सादर करत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण होऊ शकत नाही, त्यामुळे तातडीने तो अहवाल सादर झाला पाहिजे, त्यात काय त्रुटी असतील तर त्या दूर झाल्या पाहिजेत। या दृष्टीने मी बैठक घेतली आणि मला विश्वास आहे की फार लवकर त्रुटी रहित अहवाल हा आम्ही सुप्रीम कोर्टाला सादर करू, आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाला विनंती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करू।